बॉडी पॉलिशिंग से हमारी जो बॉडी है वो हीरे जैसे चमकने लगती है ना। इसीलिए तो ये बॉडी पॉलिशिंग कराई जाती है कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो करे, हीरे जैसे चमके, और आपको अपनी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं। बट अगर आप ये बॉडी पॉलिशिंग पार्लर में कराने जाओ तो इसका जो चार्ज होता है वो सुन के ही सर चकराने लगता है, अरे इतना सारा चार्ज कैसे दूंगी, मेरा तो ये कोई बजट ही नहीं है। लगता है ना कभी कभी जब हमारा बजट नहीं होता है और ये सब हम लोगों को करने का मन होता है कि चलो बॉडी पॉलिशिंग करते हैं, चलो फेशियल करते हैं, बट जब हम लोग अपने बजट की तरफ ध्यान देते हैं तब पता चलता है ये तो मेरा बजट ही नहीं है, ये तो मेरे ऑटो बजट जा रहा है, लगता है ना। तब फिर आपको लगता है कि छोड़ो, रहने दो, क्या ज़रूरत है यार, छोड़ो, ये सोच के आप लोग छोड़ देते हो। बट इसीलिए मैं ये पूरी सीरीज लाई हूँ ताकि आप इसको छोड़ो मत, आप इसको घर पे करो, अच्छे से करो, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के आप अपनी जो स्किन है, जो बॉडी है वो बिल्कुल शाइनी कर लोगे। एंड जो ट्रीटमेंट आप पार्लर में लोगे इतने सारे पैसे खर्च करके, वो आप फ्री में अपने घर पे कर सकते हो और बिल्कुल वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपको पार्लर जाके मिलेगा। अब आप खुद ही सोचो कि पार्लर में जाना सही है कि घर में रहना सही है। हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। गाइस आज हमारी बॉडी पॉलिशिंग सीरीज का डे 4 है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी सीरीज के साथ मेरे साथ चल रहे हो और बहुत ही ज़्यादा मेरी तरह इंजॉय कर रहे हो। गाइस आज हमारी बॉडी पॉलिशिंग सीरीज का डे 4 है और आज हम लोग बनाएंगे मसाजिंग क्रीम जो आपकी बॉडी को बिल्कुल चमका देगी, इतना ग्लो करने लगेगी आपकी बॉडी कि आप इतने खुश हो जाओगे कि आप खुश हो जाओगे, अरे वाह ये तो मसाजिंग क्रीम बहुत अच्छी है। जो आप पार्लर में जाके इतने हजारों रुपए खर्च करके आप जो ट्रीटमेंट लोगे और उससे जो आपका ग्लो आएगा वो भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपका घर बैठे ये ट्रीटमेंट करने से हो जाएगा, है ना अच्छी बात। सो आप इसको ज़रूर बनाना और इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर फॉलो करना, और जब आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। पहले दिन हम लोगों ने हेयर रिमूव कैसे करना है वो जाना था, फिर सेकेंड डे में मैंने आपको बताया था कि मसाजिंग स्क्रब, सॉफ्ट स्क्रब कैसे बनेगा, तो आपने वो किया था और आई नो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिला होगा। एंड थर्ड डे में हम लोगों ने जाना था कि हम लोगों को अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट कैसे करना है, स्क्रब कैसे बनाना है और स्क्रब कैसे करना है, तो आई होप आप लोगों ने वो भी बहुत अच्छे से किया होगा और आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिला होगा। सो आज हमारी सीरीज का डे 4 है और आज हम लोग बनाएंगे मसाजिंग क्रीम और उससे अपनी बॉडी को अच्छे से मसाज करेंगे और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेगी, बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। तो चलिए जल्दी से जानते हैं मसाजिंग क्रीम को बनाना कैसे है। मसाजिंग क्रीम बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनके ये तैयार हो जाएगी। और इसके लिए आपको करना है, आप पहले एक बाउल ले लो और उसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, स्किन में रैशेज हो जाते हैं तो उसको प्रिवेंट करने में एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करता है और हमारी जो स्किन में सनबर्न हो जाता है उसको भी रिमूव करता है। तो मैंने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया है एंड फिर मैंने उसमें ऐड किया है 1 पिंच टर्मरिक। आपके पास वाइट टर्मरिक हो तो आप वो ऐड कर सकते हो, आपके पास कस्तूरी हल्दी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास ये दोनों हल्दी नहीं है कोई बात नहीं, आप खाने वाली हल्दी ऐड कर लो, बस ध्यान रहे वो 1 पिंच ही आपको ऐड करना है, ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है मोस्ट इंग्रेडिएंट, चंदन पाउडर। जी हाँ, आपको इस मसाजिंग क्रीम में चंदन पाउडर ऐड करना है। चंदन पाउडर क्यों? चंदन पाउडर इसलिए क्योंकि चंदन पाउडर ठंडा होता है और चंदन पाउडर हमारी स्किन में होने वाले एक्ने, पिंपल, इन सबको वो रिमूव करता है, हमारी जो स्किन है उसको टैनिंग से बचाता है और हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं तो उसको भी वो प्रिवेंट करता है, इसलिए चंदन पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। तो मैंने 1/2 टीस्पून मैंने उसमें चंदन पाउडर ऐड किया है। अगर आप फुल बॉडी में आप कर रहे हो तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। फिर आप इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। क्या कहा आपने? मैं सब में ग्लिसरीन डालती हूँ। अरे भाई, ग्लिसरीन इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि जब आप इसके गुणों को जानोगे ना तो आप भी हर चीज में ग्लिसरीन यूज करने लगोगे। वैसे भी अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर हो तो आप जानते होंगे कि ग्लिसरीन हमारी हेयर, हमारी स्किन के लिए क्या बेनिफिट देता है। तो मैंने उसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, मैंने 1/2 टीस्पून उसमें ग्लिसरीन ऐड किया हुआ है। एंड फिर आप इसको अच्छे से आप इसको मिक्स कर लो और फिर आप पहले अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद फिर जब आपकी बॉडी पूरी वेट हो जाएगी तब आप इस मसाजिंग क्रीम को अपनी पूरी बॉडी में अच्छे से अप्लाई करो और
5 से 10 मिनट तक आपको मसाज करना है, बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली तरीके से, आपको बहुत खुश होके मसाज करना है कि ये नहीं बस ऐसे ऐसे रगड़ लिया बस हो गया, तो ये आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा खुश होके, थोड़ा इंजॉय करते हुए आपको मसाज करना है, क्योंकि मसाज जब आप करोगे तो जब आप अंदर से खुश होगे तो आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ग्लो करेगी, और ज़्यादा वो अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो इसलिए आपको अच्छे से खुश होके बहुत जेंटल तरीके से बहुत आराम से आपको पूरी बॉडी में मसाज देना है, और जब आप बॉडी को खुश होके मसाज दोगे तो आप खुद भी अंदर से रिलैक्स होगे। तो अच्छे से इसको आपको मसाज करना है, एंड आफ्टर मसाज अगर आप वाइप करना चाहते हो आप वाइप कर लो, वाइप नहीं करना चाहते हो तो नहा लो, अच्छा के तरीके आप नहा सकते हो। एंड आफ्टर बाथ, आफ्टर वाइप आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। वैसे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट जिनकी ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको थोड़ा सा अगर नीड लग रही है कि नहीं मुझे मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करना, एंड गाइस इसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। एंड आफ्टर एप्लीकेशन आप खुद मेरे पैर को देख लो कि कितना ज़्यादा ये ग्लो करने लगा है, और कितनी ज़्यादा इसकी स्किन की खूबसूरत हो गई है, क्लियर क्लीन हो गई है। तो आप इसको डेफिनेटली जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और आप तो जान ही रहोगे कि सीरीज़ के साथ चलते चलते आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करने लगी होगी। तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ के साथ चलते चलते आपको कैसा लग रहा है, आपकी स्किन आपको क्या रिजल्ट दे रही है। कल हम लोग जानेंगे day 5 में अपना नेक्स्ट स्टेप, कि अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।